नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों, मेरा हाजुर ग्राम राम। आज फिर पहुंचे हैं गांव बरानी, झज्जर जिला गांव है, जो रविंद्र वैद्य एक बड़ी सुर्खियों में है और वो भी दावा करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं, दवाई फ्री देते हैं। लेकिन काफ़ी जगह देखा है वैद्यों का प्रचार होते हुए और उन्होंने बड़ी बड़ी कोठियाँ बंगले बना लिए हैं, बड़ी महंगी दवाई देते हैं। लेकिन यहाँ दावा किया था कि फ्री दवाई देते हैं, जनता का ओपन रिव्यूज होगा यहाँ के पैसे लेते हैं या फ्री देते हैं, आराम होता है कि नहीं होता है और कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है इनका, कितनी बीमारियों का। नमस्कार जी, कहाँ से है बहन जी आप? भिवानी से। भिवानी से किस बीमारी में आए आप लोग? मेरे पित्त की थैली में पथरी है। कितने एमएम की बताई डॉक्टरों ने? 18 एमएम की। 18 एमएम यहाँ पहली बार फर्स्ट टाइम आया ना? मैं 1.5 महीना हो गया दवाई खाते हैं मुझे। अच्छा अच्छा, अभी आराम हुआ कुछ? यूँ है, दर्द नहीं होता, पहले जैसे उल्टी वगैरह लग जाया करती दर्द से, उससे फर्क है। अल्ट्रासाउंड दोबारा भी करवाया नहीं है। जी, मतलब दर्द में आराम मिला कुछ? हाँ, दर्द में बहुत आराम है। बहन जी क्या बता रहे हैं? उनका दवाई 2 महीने लगातार खाओ, उसके बाद फिर चेक करवाना। आप लोग कहाँ से हैं जी? नजफगढ़ से। नजफगढ़ में कहाँ से? बिचाऊ रोड से जी। किस बीमारी में आए बहन जी यहाँ? मुझे सर्वाइकल और घुटनों में गैप आ गया। पहले भी आए, फर्स्ट टाइम आए? नहीं, चौथी बार आए। चौथी बार आए। कितने समय से परेशान है बीमारी में आप लोग? 10 साल से परेशान। डॉक्टर से आराम नहीं है कोई भी? नहीं, ऑपरेशन बोल दिया उन्होंने तो घुटनों का, और घुटनों के दर्द में ऑपरेशन बोल दिया। गैप आ गया दोनों, और डिस्टेंस हड्डी किसके बताते ना, कई बार गैप आ गया। जी हां जी, वो है। तो यहां वैद्य ने क्या बताया? वैद्य कह रहे दवाई खाओ ठीक हो जाएगा, और सर्वाइकल में मुझे आराम है। पहले दवाई लेने के बाद में आराम है कुछ? यहाँ से थोड़ा सा आराम है, जो एक साइड की बॉडी सुन होती थी वो सुन नहीं हो रही है, और सर्वाइकल में जो उल्टी और चक्कर आते थे वो बंद हो गए। आपसे पैसे भी लिए बहन जी कुछ? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया है, फ्री सेवा है। बस ये है कि हम आना जाना अपनी मेहनत होती है जी। वैद्य जी की ये फ्री सेवा, इसमें कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, और पानी की कुर्सी होगी, हर चीज की सुविधा दे रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से है सर आप? मैं दिल्ली से आया। दिल्ली में पहली बार फर्स्ट टाइम आए? दूसरी बार आए। किस बीमारी में आए सर आप लोग? मेरे जी सर्वाइकल है, पीछे सर्वाइकल है। कितने समय से परेशान है बीमारी में? काफी साल से है जी। डॉक्टर की दवाई से इलाज नहीं हुआ? ना, कोई आराम नहीं जी। यहाँ की दवाई ली, उससे काफी आराम है जी। काफी आराम है। हाँ जी। कितने परसेंट कह सकते हैं आप लोग? ये जी 70% के करीब आराम है अभी। आराम है। यहाँ जो वैद्य जी निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कहें जी, फ्री में दवाई दे रहे हैं, वैद्य जी के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी ये। फ्री में इलाज कर रहे हैं सबका, कोई पैसे नहीं ले रहे। आज जनता का मानना है कि वैद्य जी की भगवान उम्र लंबी करे, यूं सेवा करते रहें, निरोगी रखे। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहना, और इसके बाद मैं तुरंत मैं आपको वैद्य जी से भी रूबरू कराऊंगा। वैद्य जी के पास ले चलता हूँ आपको मैं। ये देखिए, फ्री दवाई देने का ये देखो आप लोग, अगर वैद्य जी भी काफ़ी मात्रा में पैसा लेते तो हालात ये नहीं होते। आप लोग निःशुल्क सेवा देख सकते हैं आप लोग, दरबार के हैं या बाबा ये वैद्य जी का आसन, और मैं आपको रूबरू कराता हूँ। वैद्य जी नमस्कार जी। जय श्री राम, जय हनुमान। ठीक हो साहब? बढ़िया जी, परमात्मा का आशीर्वाद है। आज इतनी बड़ी भीड़ देखी नीचे, जनता का खुलेआम रिव्यूज लिया है, दवाई को लेकर, आराम को लेकर, और क्या दवाई पैसे में देते हैं, फ्री देते हैं, जनता ने ओपन किया सब कुछ। आज इतनी बड़ी भीड़ जो है कैसे कंट्रोल हो रही है? नहीं, हमारे यहाँ बालाजी के दरबार में तो हर रविवार को भंडारे में 1800-1200 आदमियों तक आते ही आते हैं जी, जी। तो ये आज की भीड़ थोड़ी नहीं, रूटीन की, और किसी को भी खाली नहीं जाने देते। परमात्मा का आशीर्वाद इतना रहा है, आज तक कोई मरीज खाली नहीं गया इस तरह से, बिना दवाई के। हाँ, बिना दवाई के कोई भी नहीं गया। जो भी प्रसाद हम तैयार कर रहे हैं दवाई के रूप में, वो सबको दे के भेजते हैं जी। कोई खाली नहीं जाता है, कितने ही मरीज आए, चाहे वो 100 आए, चाहे 1000 आए, चाहे 2000 आए, किसी को भी खाली नहीं भेजते, सबको प्रसाद दे के भेजते। अच्छा, जनता कुछ और जानना चाह रही है जी, जो जड़ी बूटी दवाई जो भी बना रहे हैं आप लोग, रॉ मेटल जो है देसी दवा का, वो सारा अपने आप इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ बाहर से भी ले रहे हैं? ये असम्बल तो सारा खुद ही हो रहा है, ये कुछ जंगल की जड़ी बूटियाँ कुछ पंसारी से आई हुई है जी। तो हमारे पास वैद्यों की एक टीम है जी, जो उनके प्रोसेस के हिसाब से वो जड़ी बूटियाँ तैयार की जाती हैं, और उसका प्रसाद दे के 13 बीमारियों पे
बिल्कुल अच्छा रिजल्ट दे रही हूँ। और रिजल्ट आपने जी सुना है भाई, एक एक मरीज की स्टेटमेंट ली है। बाकी आप देश में विदेश में जहाँ भी बैठे हो, एक रविवार को तो हम यहाँ बालाजी के दरबार में भंडारा लगाते, बाकी दिन आप कोरियर के माध्यम से देश विदेश में कहीं भी बैठे हो ये प्रसाद आप मंगवा सकते हो जी। हमने ये कोरियर तैयार कर रखे हैं जी जी जी, देश के हर एक कोने के हैं। जैसे हम दिखाना चाहेंगे, ये अयोध्या का है जी। हाँ, ये जो राम जन्मभूमि अयोध्या का है जी, और ये अपना करनाल हरियाणा का है जी, ठीक है। तो ये हरिद्वार का है, ये आपका संभल का यूपी के अंदर, ठीक है, और ये दिल्ली का है, और ये सोनीपत का। तो यहाँ तो देश और विदेश जी हर जगह हम ये प्रसाद भेजते हैं कोरियर के माध्यम से। बाकी मतलब संडे से अलग कोरियर के माध्यम से हम सोमवार से लेकर शनिवार तक कभी भी आप व्हाट्सएप पे हमें अपना एड्रेस और जो तकलीफ हो लिख के डाल दीजिए, हम ये प्रसाद आपको प्रोवाइड करवा देंगे आपके एड्रेस पे, अगर आप आने में असमर्थ हैं तो। अगर आने में असमर्थ हैं तो आप किसी भी संडे को झज्जर से चरखी दादरी रोड पे गांव बराणी जिला झज्जर बालाजी धाम यहाँ आइए और प्रसाद लीजिए। हम ये पहले भी आप लोगों को दिखा चुके हैं, ये 13 बीमारियों पे, जैसे घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, गठिया है, रंगड़वा एलर्जी है, पित्त की थैली की पथरी या अपने गुर्दे की पथरी है, शुगर है, गैस है, कब्ज है, मोटापा है, नजला है, साइटिका है जी। इन 13 की 13 बीमारियों पे आपको निशुल्क सेवा दे रहे हैं। और इसके बाद बात करें पित्त की थैली के ऊपर, पित्त की थैली के ऊपर जो ऑल मेडिकल साइंस और आयुर्वेद के लिए जो एक चैलेंज है भाई, उसके ऊपर जो है निकलना इम्पॉसिबल है। हमने बालाजी के इस दिव्य दरबार के अंदर ये पथरियाँ निकाली हैं, जैसे 7.2 mm की थी, ये बिल्कुल नॉर्मल क्लियर होगी है। हाँ बिल्कुल, ये 1 जून को करवाई होगी, 1 जून 2024 की रिपोर्ट है। कुछ ये इधर भी रिपोर्टें हैं, जैसे हम दिखाते हैं, ये 30 mm की थी, 30 mm से अब ये 3.5 पे आ गई, 1.5 mm। 30 mm की पथरी भी दवाई से निकल रही है सर, 42 की भी निकाली है, ये 5 mm की है, ये क्लियर होगी, ये इधर 42 की भी निकाल दी हमने जी जी, 42 mm तक की पथरी निकाल दीजिए, पथरी निकाल दी है, ये क्लियर होगी है। और इधर ये 18 mm की है, मतलब अलग अलग साइज की सारी पित्त की थैली की है। पित्त की थैली से अलग तो हम पथरी मानते नहीं, पित्त की थैली से तो अलग कचरा मानते, उधर भी ये कुछ रिपोर्टें लगी हुई है जी जी। तो उससे अलग तो कचरा ही होता है जी जी, दवाई दी और निकल गया। पित्त की थैली में ऐसा थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन रिजल्ट वहाँ भी अच्छा आ रहा जी। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ आइए और हमारा जो प्रसाद उसका भरपूर फायदा उठाइए, निःशुल्क है। और नजला है, दवाई वो भी फ्री है जी, बिल्कुल ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड के अंदर ये जो प्रसाद है बिल्कुल फ्री है। अगर आप कोरियर से मंगवाना चाहते हो तो कोरियर का खर्चा हमें भेज दीजिए, हम यहाँ से आपका प्रसाद भेज देंगे, ठीक है। दूसरा नजला 20-30 साल पुराना, 25 साल पुराना, 15 साल पुराना, हमने बिल्कुल खत्म कर दिया नजला एलर्जी जड़ से ही। हाँ, जो नजले की एलर्जी थी वो खत्म कर दी है। तो ऐसे सैकड़ों मरीज हैं, हमारा यूट्यूब चैनल रविंदर वैद्य झज्जर के नाम से जी, तो आप वहाँ मरीजों की स्टेटमेंट आप सुन सकते हो, देख सकते हो, मरीजों से बात भी कर सकते हो। हमने कुछ मरीजों के नंबर भी प्रोवाइड करवाए थे कुछ वीडियो के अंदर, तो वो भी आप बात भी कर सकते हो उनसे और पूछ भी सकते हो। तो बाकी मोटापा है, कितना ही मोटापा हो, हमने 20-25-25-30-30 किलो वजन कम कर दिया। सबसे बड़े संकट में घिरे हुए हैं आज शुगर में और वेट लूज करने में। हाँ बिल्कुल, दोनों पे रिजल्ट है। शुगर का आपने नीचे स्टेटमेंट मरीजों की सुनी जी, है जी। मोटापे की भी सुनी आपने, दर्द की पथरी हाँ, बिल्कुल है, उसके ऊपर अच्छा रिजल्ट आपने देखा, जितने भी वजन के थे वजन का क्लियर हो गया, शुगर नॉर्मल आ गई, इंसुलिन ग्रंथि दोबारा विकसित होगी, वो काम करने लगी, शुगर इंसुलिन की उनको जरूरत नहीं रही, वो शरीर अपने आप मोटिवेट करने लग गया उसको। आज जनता का भी और बैद जी का भी रिव्यूज आपने ओपन देखा है, और बैद जी के निःशुल्क सेवा के बारे में भी, और बाबा के दरबार के बारे में भी, और मरीजों के जो ठीक करने बाद में उनकी दया दुआएं वो लिए उनके बारे में भी। और आप अपनी राय जरूर देते रहना, और साथ में इसको ज़्यादा मात्रा में शेयर भी करते रहना, ताकि जिस भी बंधु के पास में, माता या बहन के पास में वीडियो जाएगी, वो आए, दवाई ले फ्री ऑफ कॉस्ट और बीमारी से मुक्ति पाए। और अपनी राय जरूर देते रहना, और साथ साथ इसको शेयर करते रहना, और बोलो जय श्री श्याम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान जी।